तो चैनल हम कृष्ण बागुल डिफेंस हम ऐसे किताब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस किताब ने हजारों लाखों लोगों में बदलाव लाया है, विश्वास भर दिलाया है, कॉन्फिडेंस दिलाया है कि वो जिंदगी में जीत सकते हैं। डिफेंस क्योंकि हम जीतने के लिए इस दुनिया में जन्म लिया है। डिफेंस हमें किताब विश्वास के बारे में बताती है, ट्रस्ट। अगर किसी भी चीज पे अपना विश्वास बन जाता है तो वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। डिफेंस विश्वास क्या है? दुनिया के सभी धर्म विश्वास के रूप है और ये विश्वास कई तरीके से स्पष्ट किए जाते हैं। जो उनका नियम विश्वास है, अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में आपके विश्वास क्या है? जैसे आपको विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जिस कारण अवचेतन मन की शक्ति आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्रों में उतरती है। आपको एहसास करना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जब बाइबल आस्था की का जिक्र करती है तो ये किसी अनुष्ठान समारोह रूप संस्था या फॉर्मूले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है, ये तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज़ संभव है जो विश्वास करता है। किसी ऐसी चीज़ में विश्वास करना मूर्खता है जो चोट या नुकसान पहुँचाए। याद रखे, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, वो आपको नुकसान या चोट पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती दोस्तों। ये तो आपके मस्तिष्क का, अपना माइंड का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं, वो परिस्थितियों आपके ही विचार की रिस्पॉन्स करते हैं और प्रतिबिंब है। प्रार्थना चिकित्सा वेतन या अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है जिसे वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। प्रार्थना चिकित्सा प्रेयर थेरेपी दोस्तों ये क्या है? मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों की क्रमबद्ध सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। इसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों, आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। प्रार्थना दोस्तों, प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार या वैज्ञानिक प्रार्थना भी कहा जाता है। प्रार्थना चिकित्सा के में आप किसी निश्चित विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं दोस्तों, जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को अपने अवचेतन तक पहुँचना चाहते हैं और काल्पनिक अवस्था की वास्तविक अनुभव करते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरियों में पूर्ण आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट रखेंगे तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मानसिक कर्म है। मान ले आप प्रार्थना चिकित्सा में किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं, मानते, समझते हैं कि आप क्या समस्या या बीमारी, चाहे वो जो भी हो दोस्तों, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मन में रहने वाले भयाक्रांत नकारात्मक विचारों के कारण उत्पन्न हुई है। आपको एहसास है कि अगर आप अपने मस्तिष्क में इन विचारों की सफाई कर दे तो आप ठीक हो जाएंगे। डिफेंस इसलिए आप अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर मुड़ते हैं। आप खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं। आप खुद को ये भी याद दिलाते हैं कि हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार सोचते हैं, थिंक करते हैं, तो आपका डर, फियर धीरे धीरे कम होने लगता है। इन सच्चाइयों को की याद गलत विश्वासों से जूझती है दोस्तों, और अंततः उन्हें परास्त कर देती है। आप इस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा। फिर आप अपने मस्तिष्क के उस समस्या प्रॉब्लम से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक स्थितियों को जरा सा भी शक्ति नहीं देते दोस्तों। या पल भर के लिए भी ये नहीं सोचते कि उपचार नहीं होगा। इस तरह के मानसिक नजरिए से चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बना रहता है जो उपचारक शक्ति का सक्रिय कर देता है। डिफेंस आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है? जिस तरह दोस्तों लोग आस्था उपचार फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, ये दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है दोस्तों। इसका मतलब चेतन और
अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वो व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों को वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। हो सकता है कि ये उपचार की विशेष एबिलिटी कैपेबिलिटी का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधस्था ब्लाइंड फेथ उसे ठीक कर दे। दुनिया के कई हिस्सों पर पारंपरिक उपचार अपने रोगियों को नृत्य मंत्र और आत्माओं को भुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह छूकर खास गंडा बांधकर अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उसे तरीके को या प्रक्रिया से सच्चा विश्वास दिलाएगी ट्रस्ट दिलाएंगी ये उपचार को अधिक संभव बना देगी। डिफेंस जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएंगी आपका इलाज कर देगी। कई लोग दावा करते हैं कि क्योंकि उनकी प्रार्थना सिद्धांत परिणाम लेते हैं इसलिए वे सही और सच है। जैसा हम पहले देख चुके जान चुके मान चुके समझ चुके हैं ये सच नहीं हो सकता। अंधी आस्था किस तरह काम करती इसके लिए स्विस उपचारक फ्रेंच एंटन मेसमर के बारे में सोचे जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों उन्होंने अपनी मरीजों के शरीर के से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीजों से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। ये तरीका भी कारगर हुआ। उस नई तकनीक की सफलता को समझने के लिए मेसमर ने प्राणिक चुंबकीय का सिद्धांत लिया। उनका मानना था कि ये द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है लेकिन इंसान के शरीर में सब सक्रिय है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का यह स्थानांतर को उनका उपचार कर देता है। उसके बाद हजारों लाखों लोगों के उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। दोस्तों डिफेंस मेसमर पेरिस आ गए। वहां की सरकार ने उनकी इलाजों को जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे जिन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन में भी शामिल थे। सदन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मेसमर ने बीमारियों का सचमुच ठीक कर किया था। हालांकि ये भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांतों को डिफेंस अपने विचार से सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। ये अनुमान लगाया गया है कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मेसमर को निर्वासित कर दिया गया डिफेंस और उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रेन ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव्य डॉक्टर मेसमर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रेस ने पाया कि रोगी को सुझाव विचार देकर सम्मोहित तंद्रा या निद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा या में रहते समय वे कहीं अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए जिनका श्रेय मेसमर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। आप देख सकते हैं मान सकते समझ सकते हैं कि ये सभी उपचार निस्संदेह रोगियों को सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझाव द्वारा संभव हुए थे। इसी अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा क्योंकि न तो मरीज न ही उपचारक को ये समझ थी कि वो उपचार कैसे हुए। डिफेंस एक ही बात जानते हम कि हम विश्वास रख सकते हैं। अगर हम अच्छे चीज पर विश्वास रखेंगे ट्रस्ट रखेंगे तो वैसे बदलाव हमारे लाइफ में होगा। डिफेंस तो अच्छे विचार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।